Vivo Y56। तो गाइज अपने भी स्पेशली कैमरे के लिए इस स्मार्टफोन को जो बाय किया है, तो इसके अंदर बहुत सारे कैमरा सेटिंग्स जो कंपनी ने ऐड किए हैं, यू नो कैमरा ट्रिप्स एंड ट्रिक्स में आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Vivo Y56 5G। तो गाइज नॉर्मली लोग करते क्या है कि ऐसे ही फ़ोटो जो क्लिक कर लेते हैं, यानी कि इसका कैमरा ऐप आप ऐसे ओपन करके फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, तो जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट किया होता है उस तरीके का फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो गाइज सबसे पहले गाइड में आपको ये करूँगा कि आप ये जो कैमरा लेंस है वो ऐसे किसी कॉटन कपड़े से जो साफ़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे फिंगरप्रिंट हमारे जो रह जाते हैं उसके निशान से वजह से भी कभी कभार फ़ोटो क्लियर नहीं आती। फ्रंट और रियर दोनों कैमराज आपको ऐसे पूरा साफ़ कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही कैमरा एप्लीकेशन ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको HDR का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप चाहो तो इसको हमेशा से ऑन रख सकते हो। हाई डायनामिक रेंज बोलते हैं इसको, तो आप इसको इनेबल कीजिएगा तो आपका फोटोज अच्छा आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप फिल्टर वगैरह जो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पंची कलर चाहिए तो यहाँ पे आप इस फिल्टर का जो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल है, आप अपने मुताबिक आपको जो भी पसंद है आप उसमें से यूज़ कर सकते हो। और गाइज इसके पास में आपको लाइट इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप पोर्ट्रेट फोटो लेते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जस्ट एग्जांपल पीछे का बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो जाए और आपके फेस पे ही फोकस रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ वो फोटो भी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे फेस पे ही फोकस है, मेरा टी शर्ट का कलर जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है और पीछे का सारा बैकग्राउंड जो ब्लैक हो चुका है। तो आप कुछ इस तरीके का फोटोज़ यहाँ से जो क्लिक कर पाओगे, यहाँ पे फिल्टर के पास में लाइट इफेक्ट है वो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि बैकग्राउंड में आपने लाइट लगा के रखिए और पोर्ट्रेट भी होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो इससे पे आप कुछ इस तरीके का फोटोज़ जो क्लिक कर पाओगे, जैसे कि बैकग्राउंड में आपने लाइट इफेक्ट लगाई है, कुछ इस तरीके का फोटोज़ देखने को मिल जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है, आप इस तरीके से भी काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोग्राफी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो भी पसंद है आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। फिर दोस्तों जैसे ही आप बैक आते होते यहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ से आप इस फोटोज़ वगैरह जो जूम कर पाओगे 10x तक आप मैक्सिमम जो इसके अंदर जूम कर पाओगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है AI, आप चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही AI पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर बिफोर, यानी कि आपका फ़ोटो क्वालिटी जो कुछ इस तरीके से इन्हांस हो जाती है इसको ऑन करने से, तो इसको ऑब्वियसली आपको ऑन करना ही है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लैश, अगर आप रात को फोटोज़ क्लिक करते हो तो इसके अंदर नाइट मोड आता ही है, जहाँ पे मतलब अच्छी खासी लाइट है वहीं पे आप नाइट मोड का यूज़ कर सकते हो, और पूरा अंधेरा है तो आप फ्लैश लाइट का ऑन कर सकते हो, यानी कि फ्लैश लाइट का यूज़ कर सकते हो, तो भी आपके फ़ोटोज़ बेहतरीन निकल के आएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैन डायरेक्टली आप यहाँ से कुछ भी स्कैन भी कर सकते हो, QR कोड वगैरह। तो फिलहाल नेटवर्क नहीं है इसके अंदर और हमें कुछ ज़रूरत भी नहीं है। फिर गाइस आ जाता है पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट भी आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो और इसे एपर्चर वगैरह जो सेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कि बैकग्राउंड किस तरीके से होना चाहिए आपका, और यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हो कि आपका बैकग्राउंड कितना ब्लर होना चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड आपको ज़्यादा ब्लर करना है तो यहाँ से आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली ऑफ भी कर सकते हो इसमें से कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाना है। तो ये भी पोर्ट्रेट इफेक्ट अवेलेबल है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूटी, यानी कि फेस ब्यूटी आपको करना है तो यहाँ से सब कुछ जो एडजस्ट कर सकते हो अपने मुताबिक, और यहाँ से नॉन भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्टर, फिलहाल नेटवर्क नहीं है इसके अंदर तो पोस्टर खोल नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, उसका कुछ इतना भी खास ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आता है नाइट, जैसे कि मैं आपको पहले बताया नाइट फोटोग्राफी भी आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे भी गाइज आप 10x जूम कर सकते हो। जैसे गाइज यहाँ पे आप इसका कैमरा फिर ओपन करते हो तो स्टाइल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नाइट में भी आपको ऐसे अलग अलग स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि अपने मुताबिक आप जो एडजस्ट कर पाओगे। और गाइज जैसे ही आप बैक आते हो और यहाँ पे कर लेते हैं हम वीडियो, तो गाइज वीडियो के अंदर भी सेम वही आपको जो फिल्टर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको अपने मुताबिक यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा के वीडियो शूट कर पाओगे तो डेफिनेटली बहुत ही सही रिजल्ट आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे ब्यूटी, यहाँ पे भी आपको फेस ब्यूटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप मैक्सिमम 1080p तक जो वीडियो शूट कर पाओगे 60fps पे, यानी कि फुल HD ही वीडियो आप शूट कर पाओगे रियर कैमरे से।
और गाइज यहाँ पे भी आपको एक फ्लैश लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है व्लॉग मूवी, यानी कि ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो गाइज आपको अलग अलग जो वो यहाँ पे सेकंड्स दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से वीडियो क्लिक करना है। तो म्यूज़िक एंड एडिटिंग डायरेक्टली हो जाएगा, तो आप चाहो तो ऐसा व्लॉग स्टाइल में भी वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग इफेक्ट अवेलेबल है इसको डाउनलोड करके। फिर गाइस जैसे ही आप मोर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का वो देखने को मिल जाता है। यहाँ से गाइस फोटोज़ क्लिक करने से जो डिटेल्स है वो डेफिनेटली बहुत ही सही आती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिक्सल्स है वो क्लियरली यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। और इसकी साइज़ भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कितनी पड़ती है 50 मेगापिक्सल से फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8.62 MB का फ़ोटोज़ क्लिक हुआ है। और गाइस जैसे ही आप मोर पे अगेन क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पैनो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको ऐसे ज़्यादा एरिया कैप्चर करना है तो कुछ इस तरीके से आप पैनो का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ़ोटो जो ऐसे राउंड शेप में आ जाता है पूरा, और आप ज़्यादा एरिया जो कैप्चर कर पाओगे। फिर दोस्तों जैसे आप मोर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन इस फोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर है टाइम लैप भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे है प्रो, यहाँ पे आप अपने मुताबिक जो एडजस्ट कर सकते हो। ISO, यहाँ पे शटर स्पीड, ऑटो, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो और प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो क्लिक करने तो यहाँ से अलग से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे वीवो Y56 के कुछ कैमरा टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको शायद काम आ सकते हैं। और ये जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप फोटोज़ क्लिक कीजिएगा, डेफिनेटली बहुत ही सही आएगा। और कमेंट्स में बताओ कि आपको ये फीचर्स कैसे लगे। तो एप्लीकेशन की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के वीडियो इतने दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।